close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हे गाइज़, मैं हूं आकाश कुमार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइज़, आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ये त्यौहार को एंजॉय करेंगे। और अपना बता दूं मैं तो गाइज़, आज का जो त्यौहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, और इससे जो पिछला वाला था वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक्चुअली अभी हमारे मोहल्ले में, घर के पास ही में, एक ट्रेजेडी हुई है। एक भाई, यंग कह सकते हैं कि हमारे साथ का ही था एक लड़का, जो कि जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गया था कल। सो इस वजह से जो रक्षाबंधन थे वो हम लोग सेलिब्रेट कर नहीं पाए जिस तरीके से करने चाहिए थे सभी लोग। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाते तो हैं ही सभी लोग, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी तरीके से खुशियाँ बाँटते हैं वो नहीं हो पाया इस बार। और उनके घर में भी काफ़ी जो गमगीन माहौल की वजह से, अभी आप लोग जो बैकग्राउंड देख रहे हैं वो मैं अभी स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, और आवाज़ शायद आप लोगों को क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी बिकॉज़ थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है। इस वजह से मैं आपको बता दूं कि अभी हम खड़े हुए हैं स्टेशन पर और हमारे दो भाई हैं वो आने वाले हैं अभी ट्रेन से। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, अभी ट्रेन आने वाली है बस जस्ट अ फ्यू मिनट्स में। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इस समय स्टेशन पर हूँ। ये एक गांव का स्टेशन है इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि गांव के स्टेशन कुछ ऐसे होते हैं। वो सामने आप लोग देख रहे हैं वो है टिकट घर, वहाँ पे टिकट वगैरह मिलता है और बाकी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती यहाँ पर। छोटा सा गाँव का स्टेशन है, तो बस कुछ ही मिनट में आने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और आपको बता दूँ कि ये ब्लॉग जो है वो शायद आप लोगों को आज नहीं मिल पाएगा, रक्षाबंधन के दिन आज मैं शूट कर रहा हूँ शाम को। अभी 5 बज रहे हैं लगभग। भाई साहब आ गए, ट्रेन पीछे जा रही है। Till I get up, time is barely on our side. So guys, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं गांव से, और आपको बता दूं कि ये जो ब्लॉग है वो कुछ अधूरा सा रह गया। आगे
जो हम लोग स्टेशन से लौट के आए थे, उसके बाद में मैं जो आपको बताने वाला था कि किस तरीके से गांव में रक्षाबंधन होते हैं, किस तरीके से शाम को लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं गांव के बाहर और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब दिखाने वाला था। लेकिन यार जो है वो उस टाइम जब हम लोग स्टेशन से लौटे तो काफी तेज बारिश होने लगी थी। घर तक आते आते हम लोग आ तो गए थे, हल्का हल्का भीगे हुए थे, लेकिन उसके बाद में झमाझम जबरदस्त बारिश हुई और फिर उसके बाद से घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था और काफी लेट भी हो गए थे। एक्चुअली ट्रेन थोड़ा जो है वो लेट हो गई थी और उसके बाद में हम लोग जब घर पे आए तो थोड़ा अंधेरा हो गया था और तेज बारिश होने लगी थी। फिर राखी वाखी बांध के हम लोग घर से जो है वो निकल नहीं पाए। और उसके बाद से 2 दिन वो जो सोच रहा था कि जिस ब्लॉक को करूंगा कंप्लीट, सो वो 2 दिन उसी में निकल गए। और मैं सोच रहा था कि अगर रक्षाबंधन वाला जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो कुछ इंटरेस्टिंग सा इसमें जोड़ूंगा, लेकिन वो 2 दिन में कुछ ऐसा कुछ हो नहीं पाया जो इस ब्लॉक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना पाते हम लोग। सो उसके लिए कोई बात नहीं, अभी आप लोगों से मेरा वादा है कि आने वाला जो ये जो वीक है, अगले मंडे से लेकर इस वीक में आपको 2 वीडियोस जरूर मिलेंगी और बहुत ही गजब के ब्लॉग मिलने वाले हैं। और आगे से आप लोग अपडेट रहिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, यूजर नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, Akash_श्रीवास्तव के नाम से आप लोग सर्च करिए और वहां पर मैं स्टोरी में अपडेट करता रहता हूँ। सो और यहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए और इस ब्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं हो पाया ब्लॉग और गाँव का स्टेशन वगैरह आप लोगों को दिखाया था कैसा था, और आगे मेरी कोशिश थी कि और अच्छा मैं करता लेकिन हो नहीं पाया। सो उसके लिए माफी चाहूंगा, अभी आप लोग प्लीज थोड़ा कॉपरेट कर लेना और आगे आने वाले टाइम में बहुत गजब के ब्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ नई नई जगह पर मैं जाने वाला हूँ, वहां आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या कैसे रहते हैं वो ब्लॉग, और आप लोग जरूर पसंद आएंगे आपको। सो एक बार फिर कहूंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर अब सारी स्टोरीज में आप लोगों को अपडेट मिलने वाली है। जो भी आगे एक्टिविटीज होंगी हमारे चैनल पर उसकी पहली अपडेट आपको वहां पर मिलेगी इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद में हम लोग कम्युनिटी टैब में भी यहाँ पर डालेंगे यूट्यूब में। सो यहाँ पर भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।